पुतिन इस वक्त इतने गुस्से में है कि यूक्रेन को बारूद से भस्म करने का ऐलान कर चुके हैं। पुतिन की तरफ से ये विध्वंसक ऐलान तब हुआ जब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई सप्लाई का ऐलान कर दिया और इसी के बाद रूस के राष्ट्रपति का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। पुतिन ने बिना वक्त जाया किए अपने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को वॉर रेडी कर दिया। युद्ध का बेलारूस फ्रंट भी एक्टिव हो चुका है और इसी मोर्चे से रूसी आर्मी यूक्रेन पर महाबम से चोट करने वाली है। ₹20 लाख करोड़ अमेरिका अब तक युद्ध के मैदान में इतने का बारूद पहुंचा चुका है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर अमेरिका जंग की आग को लगातार भड़का रहा है। इस बात से रूस शुरू से ही अमेरिका को वार्निंग देता रहा है, लेकिन इस बार जैसे ही अमेरिका ने 15,000 करोड़ रुपए के हथियारों की खेप भेजने का आधिकारिक ऐलान किया, पुतिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने का ऐलान कर दिया बल्कि अपने फादर ऑफ ऑल बम का मुंह यूक्रेन की तरफ मोड़ दिया। यही है रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो TV9 भारतवर्ष के पास है। यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य मदद के बाद पुतिन ने अपने Sukhoi-34 पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब को तैनात किया तो ये तस्वीर सामने आ गई और इसी के साथ पूरे विश्व में खलबली मच गई। दुनिया दहशत से इसलिए भर गई क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर इसी महाबम से हमला करने जा रहे हैं। महाबम फटेगा तो महाविनाश आएगा, यही भय। पुतिन ने जिस महाबम को तैनात किया है उसका नाम है Fab 500 M62। इसे दुनिया फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के नाम से जानती है। पुतिन का ये बिग बम 500 किलो का है, इसे 12,000 मीटर की ऊंचाई से दागा जा सकता है। ये बम इतना पावरफुल है, इतना विनाशक है कि जहां भी गिरेगा वो जगह पल भर में मरघट बन जाएगी। दृश्य दिल दहलाने वाला होगा। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब दागने से पहले पुतिन अपने हर फ्रंट को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड पर वो 5 लाख नए सैनिकों को भेजने वाले हैं। बेलारूस बॉर्डर पर भी रूस की हलचल तेज है। रूस इसी तरह बेलारूस बॉर्डर पर ट्रेन के जरिए खतरनाक हथियार भेज रहा है। रूसी टैंकों की टुकड़ी भी बेलारूस में पुतिन के बेस पर पहुंच रही है। ट्रेन पर रूस की आर्मर्ड व्हीकल्स, इनमें रूस के सैनिक। रूस इसी तरह इन्हें बेलारूस बॉर्डर पर डिप्लॉय कर रहा है। यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस में मौजूद रूस के सैन्य बेस पर इस वक्त 90,000 सैनिक है, लेकिन अब पुतिन सैनिकों की संख्या दोगुनी करने वाले हैं, यानी 1,80,000। पुतिन हथियार भेज रहे हैं, हमले का ऑर्डर दे रहे हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको अटैक की तैयारी में जुटे हैं। इसी सिलसिले में लुकाशेंको 6 जनवरी को बेलारूस बॉर्डर पर वॉर रेडी रूसी सैनिकों के बीच पहुंचे। उन्हें पुतिन का संदेश सुनाया, साथ ही ऐलान किया कि जल्द ही वॉर का बेलारूस फ्रंट खुलेगा। दोनों देशों की ज्वाइंट मिलिट्री यूक्रेन को इसी मोर्चे से तबाह करेगी। मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बता रही है कि पुतिन और लुकाशेंको बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर बहुत बड़ा धावा बोलने वाले हैं। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन के खौफनाक प्लान का खुलासा किया है। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना ने सीज फायर की आड़ में चर्चों को टारगेट किया। चर्च पर हमला कर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ ईसाइयों को भड़काना चाहते हैं। यूक्रेन का ये ऐलान कितना सच है ये तो नहीं मालूम, लेकिन सबसे बड़ा सत्य ये है कि बेलारूस बॉर्डर से पुतिन यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यहीं से फादर ऑफ ऑल बॉम्ब दागने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।